नमस्कार, लक्ष्मी खाना खदाना में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं कॉर्न लॉलीपॉप कुछ अलग तरीके से। आज हम बनाएंगे कॉर्न से एक नई रेसिपी जो कि बच्चे और बड़े सबको बहुत पसंद आने वाली है। जिसके लिए लिया है हमने 1 कप कॉर्न। कॉर्न को हमने हल्का सा उबाल लिया है, ज्यादा नहीं उबाला है, बस गर्म पानी में डाल के निकाला है। इसको हम क्रश करेंगे मिक्सी के जार में। हम ले लेते हैं 1/2 कप शिमला मिर्ची लेंगे, इसको भी हम क्रश करेंगे। और 1 मीडियम साइज का हमने लिया है प्याज, इसको भी हम साथ में क्रश करेंगे। अब हम इसको क्रश कर लेते हैं। इनको हमने क्रश कर लिया है, बारीक नहीं पीसा है। हमने 4 आलू उबाल के लिए हैं, उबाल के छील लिए हैं। ये मीडियम साइज के 4 आलू हैं, इनको हम मिक्स कर लेते हैं। अब हमने जो कॉर्न और शिमला मिर्च वगैरह क्रश किया था उनको इसमें मिक्स कर देते हैं। इनको मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच अदरक मिर्ची का पेस्ट, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर और 1/2 चम्मच ही गरम मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया। इन सबको मिक्स कर लेते हैं। आज हम बनाएंगे कॉर्न लॉलीपॉप जो कि सबको पसंद आता है। 2 चम्मच हम डालेंगे इसमें ब्रेड क्रम्स बाइटिंग के लिए। और सबसे लास्ट में डालेंगे अब हम स्वाद अनुसार नमक। और इसको मिक्स कर लेते हैं हम अच्छी तरह से। अब लेंगे एक प्लेट और इसके गोले बना लेते हैं। गोले आप गोल भी बना सकते हो और लंबचौरस बनाना हो तो आप ऐसे भी बनाए। लॉलीपॉप का शेप देना हो तो आप ऐसे बनाएं। ऐसे करके सारे बना के रख लें। ये हमारे सारे गोले बन गए हैं। अब इनको तलना है। अब 1 चम्मच लेंगे हम कॉर्नफ्लोर और इसको पानी में घोल लेते हैं। कॉर्नफ्लोर को ठंडे पानी में घोलें, गर्म पानी में न घोलें। आप इसकी जगह आप मैदा भी ले सकते हो, हमने कॉर्नफ्लोर लिया है। रेसिपी की पूरी वीडियो देखें, आदि में आप पूरा समझ नहीं पाओगे। और साथ में लिए हमने नूडल्स उबाल के, यह काम कर लेते हैं। इन गोलों को कॉर्नफ्लोर के पानी में लपेट लेते हैं और उसके बाद नूडल्स से लपेट लेते हैं। चम्मच से हो तो ठीक है, नहीं तो आप हाथ से भी कर सकते हो। इनको ऐसे करके नूडल्स में लपेट लें। आपको नूडल्स नहीं खाने हो तो आप अवॉइड कर सकते हो। ऐसे नूडल्स में लपेट के इनको साइड में रखते जाएं। ऐसे ही सबको कॉर्नफ्लोर के पानी में घोल के नूडल्स में लपेटना है। ऐसे करके सबको लपेट लेते हैं। एक एक करके सबको नूडल्स में लपेट लेना है। और अब हम
इनको तेल में फ्राई करने के लिए डाल देते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इनको गैस को थोड़ा सिम कर देते हैं और इनको तल लेते हैं। इनको उलट पलट के तल लेते हैं अच्छी तरह से। एक हमने टिक्की बनाई है जिसकी अभी हमको जरूरत रहेगी। आधे को हम नूडल्स में लपेट के बनाएंगे, आधे को हम ऐसे ही बनाएंगे। आपको जैसा पसंद हो आप वैसा ही बना सकते हो। अब हम इनको निकाल लेते हैं। गैस को लो मीडियम पे रखना है। सारे बन गए हैं, उनको निकाल लेते हैं। दो तीन लेंगे स्टिक और इनको अरेंज करेंगे, इनके ऊपर लगा देंगे एल्यूमिनियम फॉइल। अब हम इनके बीच में लगा देंगे इनको ऐसे। हमारी कॉर्न टिक्की बनके रेडी। फटाफट से खाइए गर्मा गर्म, बहुत अच्छी लगती है। हमने दोनों तरह से रखी है, बिना नूडल्स लगाए और नूडल्स लगा के। जो आपको पसंद हो आप वही बनाएं। दीदी हम आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें ताकि आगे का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे।